Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। बढ़ते डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए आज वित्त मंत्रालय में एक अहम बैठक होगी। मीटिंग दोपहर 3 बजे होनी है। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में बीटेक की छात्रा आदित्य त्रिपाठी का शव पंखे से लटका मिला है। आदित्य लॉयड कॉलेज के द्वितीय वर्ष का छात्र था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से लालू यादव नीतीश सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही बालाघाट से पोस्टल बैलेट खोलने की खबर है। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अर्जेंटीना के निर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली वाशिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात करेंगे। रूस में तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई है। ब्लैक सी में उठे तूफान की वजह से क्रीमिया और यूक्रेन के इलाकों में सड़क पर पानी भर गया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाले 16 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। ऐसा दिल्ली में खराब मौसम के कारण किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल हमास के बीच विस्तारित 2 दिवसीय संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। आज सुबह 3:45 पर जिजांग में रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज शाम 6 बजे बैठक होगी। ये बैठक करीब 7:30 तक चलेगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्याला टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का मंगलवार को 17वां दिन है। अवैध ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के डिजिटल लोन पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून लाने पर विचार कर रही है। खालिस्तानी समर्थकों का एक समूह ने गुरुद्वारे में संधु के साथ धक्कामुक्की की और खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में सवाल उठाया। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज अरांगे ने पुणे में एक रैली के दौरान कहा था, हमारे बच्चे होशियार हैं लेकिन उनके पास नालायक लोगों के दिन काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसके लिए बाद में उन्होंने शब्द वापस लेने की बात भी कही। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को चेतावनी दी है। नार्वेकर ने कहा है कि सरकार ने सदन में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के यूपी के मथुरा दौरे पर बयान देते हुए कहा, हम एक हिंदुत्व पार्टी और हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मथुरा गए हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाया है और हर साल आईपीएल खेलने वाले पेट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल ने उनका सपोर्ट भी किया है। 1 दिसंबर को खूंखार एनिमल से सैम बहादुर की भिड़ंत होने वाली है। देश के मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।